आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हमें यह पंक्तियां सुनने को प्राप्त हुई। कप्टन के लागे रहे हिम्मत दास कपाट, प्रेमिन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। यह पंक्तियां सुनकर ऐसा अनुभव होता था किसी ने परमात्मा को उलाहना दिया है। बहुत समय तक मंथन चलता रहा, यह किस भक्त के द्वारा भगवान को कहा गया है, किसने कहा होगा और इतना प्रेम से कहा होगा, पर इस विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। पर 2 दिन पूर्व परमात्मा की ही कृपा से हमें उन भक्तों का पूर्ण चरित्र प्राप्त हुआ जिन्होंने भगवान को इतना सुंदर उल्हाना दिया है। उन भक्त जी का नाम था हिम्मत दास जी। पन्ना के बरछाए गांव में हिम्मत दास जी का जन्म हुआ। इनका रोज का नियम था, यह अपने बरछाए गांव से चलकर पन्ना के मुख्य स्थान पर स्थापित श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने आते थे। इनके घर से मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर थी, पर रोज का नियम बन गया था, परमात्मा के दर्शन के बिना इन्हें आनंद नहीं आता था। यह रोज प्रातःकाल गले में अपनी झांझ बांधकर परमात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़ते थे। कहते हैं एक बार यह मार्ग से होते हुए प्रभु दर्शन की चाह में मंदिर की ओर आ रहे थे, तभी इन्हें मार्ग में कुछ चोर मिल गए। वह चोर इन्हें धमकाते हुए कहने लगे, जितना धन तुम्हारे पास है हमें दे दो। यह तो सीधे साधे भक्त थे, कहने लगे मेरे पास तो कुछ नहीं है। वह चोर कहने लगे, जो भी सामान है वह हमारे हवाले कर दो। इन्होंने अपने गले में बंधे हुए झांझ को दिखाकर कहा, मेरे पास तो यही सामान है, अब इसे लेना चाहो तो ले सकते हो। अब चोर सोचने लगे, भागते चोर की लंगोटी ही भली है। ऐसा सोचकर भक्त जी का झांझ उन्होंने उनके हाथों से चुरा लिया। अब जैसे ही वह झांझ लेकर चोर आगे बढ़ने लगे, भक्त राज की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगे, कितना आनंद मिलता था मुझे झांझ बजाकर परमात्मा की ओर जाते समय, आज यह भी चोर चुरा कर ले गए। और दूसरी ओर जैसे ही चोर संत जी की झांझ लेकर जा रहे थे, अचानक से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब आंखों से उन्हें दिखना बंद हो गया। वह समझ गए कि यह परमात्मा की लीला है, हमने भक्त जी के झांझ की चोरी की है, इसलिए परमात्मा ने हमारी नेत्र की रोशनी गायब कर दी है। वह रोते बिलखते हुए भक्त जी को आवाज देकर कहने लगे, हे भक्तराज, हम पर दया करो, हमें क्षमा करो, आगे से कभी ऐसा अपराध न करेंगे। भक्त हिम्मत दास जी चोरों के नजदीक गए, उनकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, आज से यह चोरी का कार्य करना छोड़ दो, तुम्हारे आंखों की रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। वह चोर कहने लगे, हम आपकी शपथ खाकर कहते हैं, आज से हम चोरी का कार्य छोड़ देंगे, अच्छे काम करेंगे, लोगों को सताएंगे नहीं। पर इस प्रकार प्रार्थना कर चोरों ने भक्त राज की झांझ भक्त राज को वापस दे दी। जैसे ही हिम्मत दास जी को झांझ मिली, हिम्मत दास जी ने युगल सरकार का कीर्तन प्रारंभ किया और इधर चोरों की आंखों की रोशनी पुनः वापस लौट आई। अब तो भक्त राज श्री कृष्ण का सुमरण करते करते पन्ना के मुख्य मंदिर में पहुंचे, पर आज मार्ग में चोरों के कारण भक्त राज को मंदिर में पहुंचने पर देर हो गई। जैसे ही मंदिर में पैर रखा, मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। भक्त हिम्मत दास जी मंदिर के पहरेदार से कहने लगे, अरे मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो, मुझे एक झलक दिखा दो, इतना दूर से चलकर आया हूँ। वह पहरेदार कहने लगा, अभी तो मंदिर बंद हो गया है, अब यह मंदिर कल खुलेगा, तुम कल दर्शन करना। पहरेदार की बात सुनकर हिम्मत दास जी को बड़ा दुख हुआ। अब तो वह प्रेम में भरकर परमात्मा को उल्हाना देकर कहने लगे, यह तुम्हारी कौन सी विचित्र लीला है, भक्त तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं और तुमने मंदिर ही बंद कर दिए हैं। तब भक्त राज के मुख से परमात्मा पर रुष्ट होकर यह शब्द निकल गए, कप्टन के लागे रहे हिम्मत दास कपाट। हिम्मत दास जी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को उल्हाना देकर कहा, अरे कपटियों के तो हरदम द्वार पर ताला ही लगा रहता है,
मैं इतना दूर से चलकर आया हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अब जब भक्तराज ने इस प्रकार उल्हाना दिया, परमात्मा अपने भक्त के इतने अविरल प्रेम को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। तभी अंदर से परमात्मा की आवाज आई और वह कहने लगे, कपटिन के लागे रहे हिम्मत दास कपाट, पर हे हिम्मत दास प्रेमिन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। और ऐसा कहकर सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। हिम्मत दास जी ने कहा, कपटियों के दरवाजे सदा बंद होते हैं। अंदर से परमात्मा ने कहा, हे भक्तराज, आप जैसे भक्तों के आने पर यह कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं। और जब अंदर मूर्ति से इस प्रकार आवाज आई तो जो मुख्य द्वार बंद हुए थे वह स्वतः ही खुल गए। अब तो भक्तराज ने बड़े आनंद से अपने प्रभु का दर्शन किया। अब तो यह सारी बात पन्ना के राज्य में फैल गई कि भक्त हिम्मत दास जी के दर्शन करते ही अपने आप मंदिर के सारे दरवाजे खुल गए हैं। भक्तराज सारी रात बैठ अपने प्रभु का गुणगान करते रहे। प्रातः काल को जब मंदिर के मुख्य महंत गोविंद दीक्षित जी मंदिर में आए, उन्होंने देखा प्रभु के कपाट खुले पड़े हैं। उन्होंने चौकीदार से पूछा, इन दरवाजों को किसने खोला है? चौकीदार कहने लगा, कल भक्तराज ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, इन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना करते ही मंदिर के सारे ताले अपने आप टूट गए, मंदिर के मुख्य दरवाजे अपने आप खुल गए। महंत जी भक्ते हुए भक्तराज के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, आप जैसे महापुरुष का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अब तो पन्ना के राजा को भी यह बात पता चल गई। वह भी दौड़ते हुए हिम्मत दास जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे भक्तराज, मेरी इच्छा है आप इतना दूर से चलकर प्रभु के दर्शन करने आते हो। अगर आप चाहो तो मैं नज़दीक में ही एक पूरा गांव आपको भेंट दे दूं। आप यहीं पास में रहा करो, इतना दूर से आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के लाडले भक्त तो माया के ऐसे प्रलोभनों में आया ही नहीं करते हैं। हिम्मत दास जी ने नम्रता पूर्वक पन्ना के राजा की बात को अस्वीकार कर दिया। कहने लगे, मैं इतना दूर से चलकर आता हूँ तो इस बहाने मेरा परमात्मा का सुमरण भी हो जाता है। पास में रहूँगा तो मोह माया भी बढ़ जाएगी, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। सारे शहर में हिम्मत दास जी की कीर्ति फैल गई। अब तो हिम्मत दास जी दर्शन कर अपने घर लौट आए। भक्त हिम्मत दास जी बड़े साधु सेवी थे। उनके गांव में जितने भी साधु संत आते थे वह इनके पास ही ठहरते थे और इन्हें भी संत सेवा में बड़ा आनंद मिलता था। कभी कभी अगर इन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी तो यह अपने गांव के एक परमेश्वरी बनिए के पास चले जाते थे, उससे ही कर्जा लेकर आते थे और धीरे धीरे कर्जा चुकाते जाते थे। एक दिन संतों की बड़ी जमात इनके घर पर आ गई। घर पे कुछ था नहीं। वह पुनः परमेश्वरी बनिए के पास गए और कहने लगे, मुझे थोड़ा सामान चाहिए, तुम हर बार मेरी सहायता करते हो, आज भी मेरी सहायता करो। पर आज परमेश्वरी बनिया कहने लगा, पहले का पुराना हिसाब ही तुमने पूरा नहीं किया है, मैं आज तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता हूँ। देखो कितना कर्जा हो गया है, जब तक यह नहीं चुकाओगे मैं और पैसे नहीं दूंगा। अब भक्तराज बड़े दुखी मन से घर पर आ गए। धर्मपत्नी ने पूछा, क्या बात है? वह कहने लगे, आज बनिए ने मुझे उधार दी नहीं और घर पर संतों का आगमन भी हुआ है, उनके भोजन की चिंता को सोचकर मेरा मन दुखी हो रहा है। धर्मपत्नी बड़ी सुशीला थी। उसने अपने सारे गहने उतार कर भक्तराज को देते हुए कहा, इन्हें बेच कर आओ और जितना पैसा मिले उससे सामान लेकर आना। भक्तराज ने जैसे ही अपनी धर्मपत्नी के गहने लिए तब उनकी नज़र अपनी धर्मपत्नी के नाक की नथ की ओर गई। धर्मपत्नी समझ गई कि मुझे नाक की नथ भी उतार कर देनी है और उन्होंने नाक की नथ उतार कर अपने पतिदेव से कहा, इसे बनिए के पास रखा कर इससे जो धन मिले वह लेकर आओ, हम उससे संतों की सेवा करेंगे। जैसे ही वह सुशील पतिव्रता नारी अपनी नथ उतार हिम्मत दास जी को देने लगी, हिम्मत दास जी सोचने लगे, मेरा फर्ज है
अपनी धर्म पत्नी को गहने बना कर दूं, पर यह तो स्वयं उतार कर मुझे दे रही है। मन में बड़ा दुख हुआ, पर कहते हैं ना, जिनका मन संत सेवा में लग जाता है, प्रभु भक्ति में लग जाता है, उनका ध्यान संसार की ओर जाता ही नहीं। अब तो वह सारे गहने लेकर हिम्मत दास जी बनिए के पास आए और उसे गिरवी रखकर भोजन का सामान लाकर उन्होंने साधुओं को भोजन कराया। अब प्रातःकाल हुआ, संत लोग तो अपने स्थान की ओर चले गए। हिम्मत दास जी ने धर्मपत्नी से कहा, मैं नदी से स्नान कर आता हूँ। ऐसा कह वह अपना लोटा उठाकर स्नान करने के लिए चले गए। उधर श्री युगल किशोर राधा रमन को चिंता हुई, कल मेरे भक्त को धन का अभाव हुआ है, उसके धन का अभाव दूर करना चाहिए। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने हिम्मत दास जी का रूप बनाकर बनिए के पास आकर कहा, हे परमेश्वरी बनिए, तुम्हारा कितना हिसाब बाकी है। वह बनिया कहने लगा, सुबह सुबह हिम्मत दास जी घर पर आए हैं। उन्होंने हिम्मत दास जी को देखकर कहा, क्यों, पैसा मिल गया है, पैसा चुकाना चाहते हो। अब भगवान स्वयं ही हिम्मत दास बनकर आए थे, कहने लगे, जल्दी बताओ कितना हिसाब बाकी है। बनिए ने सारा हिसाब देखकर कहा, तुम्हारे पौने 300 रुपए बाकी हैं। अब श्री कृष्ण ने जल्दी से बनिए को पौने 300 रुपए दिए और कहने लगे, जो कल मैं तुम्हें सोने के आभूषण देकर गया था, वह सारे आभूषण मुझे लौटा दो। उस बनिए ने भगवान बने हिम्मत दास जी को सारे आभूषण दे दिए। अब श्री कृष्ण हिम्मत दास जी के रूप में भक्तराज के घर पहुंचे और जैसे ही भक्तराज के घर प्रवेश किया, भक्तराज की धर्म पत्नी चौके पर गोबर लीप रही थी। उन्होंने स्त्री को आवाज लगाकर कहा, जल्दी आओ, यह नथ पहन लो। पर वह स्त्री तो उस समय चौके पर गोबर लीप रही थी। वह कहने लगी, इस नथ को एक तरफ रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे सोने के आभूषणों को जमीन पर रखा नहीं जाता है, तुम जल्दी आओ, इस नथ को पहन लो। वह कहने लगी, मेरे सारे हाथ गोबर में खराब हैं, मैं नहीं पहन सकती हूँ। श्री कृष्ण जिद कर कहने लगे, अरे जल्दी से पहन लो, मुझे और भी काम है। तब वह स्त्री कहने लगी, अगर इतना ही जल्दी है तो आप मुझे अपने हाथों से पहना दो। कितना सौभाग्य रहा होगा ना उस धर्ममयी माता का। कहते हैं श्री कृष्ण बने हिम्मत दास जी ने अपने हाथों से उस माता को नाक में नथ पहनाई और नथ पहनाकर श्री कृष्ण कहने लगे, मैं पुनः नदी पर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है, थोड़ा देर से आऊँगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद स्नान कर जब भक्त हिम्मत दास जी घर लौटे, घर लौटते ही देखकर हैरान हो गए कि उनकी स्त्री के नाक में नथ पहनी हुई है। उन्होंने अपनी स्त्री से पूछा, यह नथ कहाँ से आई। तब वह मुस्कुराकर कहने लगी, आप बुढ़ापे में यह कैसा हास्य कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो मुझे नथ पहना कर गए थे। मैंने आपसे पूछा था यह नथ कहाँ से आई है, आपने कहा मैं बनिए का सारा हिसाब कर नथ वापस लेकर आया हूँ। हिम्मत दास जी अपनी धर्मपत्नी की बात सुन थोड़े हैरान हो गए। अब तो वह भक्ते हुए परमेश्वरी बनिए के पास आकर कहने लगे, अरे सच्ची सच्ची बताओ, कल तुमने मेरी नथ को किसे बेच दिया था। वह बनिया कहने लगा, कैसी बातें करते हो, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो सारा हिसाब पूरा करके गए थे। देखो इस बही में तुम्हारे दस्तखत भी हैं, तुमने स्वयं लिखा था कि आज से सारा हिसाब पूरा, और इस प्रकार तुम सारे पैसे चुका कर गए और अपने सारे आभूषण मुझसे वापस लेकर गए। जब हिम्मत दास जी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो गया। बनिया कहने लगा, क्या हुआ भक्तराज। हिम्मत दास जी कहने लगे, हे परमेश्वरी, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया, आज तुम्हारे पास मेरे प्रभु मेरी ओर से सारा हिसाब पूरा करके गए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार रोते हुए वह अपने घर पर पहुंचे, अपनी धर्म पत्नी को हृदय से लगाकर कहने लगे, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें आज मैंने नथ नहीं पहनाई है, मेरा स्वरूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर तुम्हारे नाक में नथ पहना कर गए हैं।
भक्त हिम्मत दास जी की धर्म पत्नी अपने पति देव को प्रणाम कर कहने लगी, पर आप इतना क्यों रो रहे हैं? हिम्मत दास जी कहने लगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए, परमेश्वरी बनिए को परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए, पर मुझे क्यों नहीं मिले, ऐसा सोचकर मुझे रोना आ रहा है। तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अरे जब आप श्री कृष्ण के मंदिर में गए थे, परमात्मा ने आपके लिए सारे दरवाजे स्वतः खोल दिए थे, वह क्या कम था? धर्मपत्नी की बातें सुन भक्तराज कहने लगे, वो तो सब सही है, पर पुनः मुझे परमात्मा के दर्शन की लालसा है, वह मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे? इस प्रकार रोते रोते उन्हें पत्थर पर ही नींद आ गई। तभी उन्हें श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरे दर्शन की लालसा है तो मेरे वृंदावन धाम में आ जाओ, मैं तुम्हें साक्षात वहाँ दर्शन दूंगा। अब तो प्रभु की तलाश में भक्त हिम्मत दास जी वृंदावन पहुँचे। कहते हैं 7 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। यहाँ बाके बिहारी जी को चिंता हो गई, मेरा भक्त इतने दिनों से भूखा है। यह सोचकर वह स्वयं खाना बनाकर भक्तराज के लिए लेकर गए। उन्होंने मार्ग में भक्तराज को अपने साथ बिठाकर भोजन खिलाया। भक्तराज तो धन्य हो गए, कहने लगे, हे प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त कर मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, अभी कुछ समय यहाँ वृंदावन रहना, वृंदावन के अनेक तीर्थों का दर्शन करो, तुम्हें यहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा जी का दर्शन प्राप्त होगा। अपने प्रभु की बात मान, कहते हैं भक्त हिम्मत दास जी बहुत समय तक वृंदावन रहे। वृंदावन से होकर वह मथुरा गए, मथुरा के अनेक तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए जब वह गोकुल पहुँचे, गोकुल में भगवान के उस बाल्य रूप का दर्शन कर वह जमीन पर गिर गए। वह कहने लगे, हे प्रभु, अब मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। तब बाल रूप में दर्शन देने आए श्री कृष्ण ने हिम्मत दास जी से कहा, अब तुम अपने घर जाइए और वहां जाकर प्रभु भक्ति का प्रचार करो, आपके राज्य में भक्ति की परम आवश्यकता है। भगवान का आदेश मान, कहते हैं हिम्मत दास जी पुनः अपने घर लौट आए। अब तो उनका सारा जीवन बाके बिहारी के सुमरण में ही निकल जाता था। प्रभु की यही तो दयालुता है, जब भक्त उनके पास दर्शन करने आए, अगर द्वार बंद हो तब भी वह भक्त के लिए स्वतः ही द्वार खोल देते हैं। जैसे भक्त हिम्मत दास जी के लिए परमात्मा ने स्वतः द्वार खोल दिए। भक्त हिम्मत दास जी ने तो उल्हाना दिया था, कपटिन के लागे रहे हिम्मत दास कपाट, पर श्री कृष्ण ने कौन सी आवाज दी, प्रेमिन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। बहुत समय से इस पंक्तियों को लेकर मन में चिंतन चलता था, पर 2 दिन पूर्व जब भक्त हिम्मत दास जी का पूरा चरित्र पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ तो सोचा आपके साथ भी भक्त हिम्मत दास जी के चरित्र को साझा किया जाए, जिनके लिए परमात्मा स्वयं उनका कर्ज चुकाने आए थे, उनकी धर्म पत्नी के नाक में नथ पहना कर गए, तो भक्तों के सदैव परमात्मा साथ रहते हैं। बस हमारा विश्वास ही कभी डामाडोल हो जाता है, जब हमारे मन की स्थिरता पक्की हो जाएगी युगल सरकार के चरणों में, तब हमारा जीवन भी धन्य बन जाएगा। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।